जब मेरे पास अच्छी खासी जॉब थी तो तब मुझे ब्लॉगिंग शुरू करना था, और अब जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं तो मुझे जॉब की याद आ रही है। 2018 में जब मैंने ब्लॉगिंग करने का डिसीजन लिया था तो मैंने अपने आप से एक ही सवाल पूछा, क्या मैं अपनी जॉब और ब्लॉगिंग एक साथ कर पाऊंगा? वो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि एज ए सेलिब्रिटी मैनेजर मुझे और कोई भी एक्टिविटी करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता था, और इसलिए फाइनली मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई। लेकिन अब मैं अपने ही डिसीजन की वजह से फंस गया ना, क्योंकि एज ए सेलिब्रिटी मैनेजर मेरे पास करने के लिए दिखाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज थी, और हमेशा ट्रैवलिंग कर रहा था नॉन स्टॉप, फिर चाहे वो बॉम्बे में हो, इंटरनेशनली हो, खैर वो सब सेकेंडरी है। और जॉब छोड़ने के बाद मेरे साथ दो चीजें हुई, एक तो बहुत ही अच्छी और दूसरी बहुत ही बुरी। गाइज, ब्लॉगिंग करने के लिए मुझे टाइम की सख्त जरूरत थी। अब जॉब छोड़ने के बाद मेरे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन जो नेगेटिव इफेक्ट हुआ है वो ये है कि मेरी एक्टिविटीज बंद हो गई, मेरी ट्रैवलिंग बंद हो गई है, और मैं मोस्टली घर पे बैठा रहता हूँ, तो कंटेंट कहाँ से लाऊं? बहुत ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करता अपने ब्लॉग्स में, लेकिन काम की वजह से मेरे दोस्तों के पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था, और वर्स्ट सिनेरियो तो ये हो गया था कि रौनता भी ट्रैवल कर रही है अपने काम के लिए। अब मैं भी अकेला कितना इंटरेस्टिंग रख सकता हूँ अपने ब्लॉग्स को, कि अचानक से मेरे दिमाग में घंटी बजी। सुल्तान से तो मिले ही नहीं हो आप लोग। यस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहसिन रेखी, और अगर ये आपका पहली बार है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं सबसे पहले आपको पता चले। आज के ब्लॉग में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ अपने ट्विन ब्रदर से, यानी कि मेरे जुड़वे भाई से। तो हियर्स इंट्रोड्यूसिंग सुल्तान। तो सुल्तान, ये ऑफिशियली तेरा फर्स्ट टाइम है मेरे ब्लॉग पे, क्या कहना चाहते हो? हाँ, ऑफिशियली तो पहली बार है, लेकिन अनऑफिशियली शायद ये थर्ड टाइम है। तूने राज खोला कि नहीं अभी तक? नहीं, मैंने अभी तक ये राज खोला नहीं है, और मुझे लगता है आज मैं ये राज खोल ही देता हूँ। तो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले सारे व्लॉग्स देखे, और अगर मैं आप लोगों से ये कह दूँ कि उनमें से ऐसे दो व्लॉग्स हैं जिनमें मैं हूँ ही नहीं, और वो व्लॉग सुल्तान ने शूट किया है और सुल्तान है उस व्लॉग में, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या रहेगा? वो छोड़ो, अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि मोहसिन मैं हूँ और सुल्तान ये है, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? एक काम करते, हम दोनों भी इंट्रो देते और देखते अगर सब्सक्राइबर्स पहचान पाते कि नहीं कि कौन मोहसिन है और कौन सुल्तान है, ठीक है? हाँ, तो पहले मैं जाता हूँ। What's up everybody, welcome to my channel, मेरा नाम है मोहसिन रेखी, और अगर ये आपका पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। What's up everybody, welcome to my channel, मेरा नाम है मोहसिन रेखी, और अगर ये आपका पहली बार है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइज, मजाक कर रहे हैं, ये कोई जुड़वा अड़वा नहीं है मेरा, और ये सुल्तान भी नहीं है, ये सुल्तान मैं ही हूँ और मैं सुल्तान ही हूँ। एक्चुअली अब मैं समझाता हूँ, जब मैंने बचपन में जुड़वा फिल्म देखी थी तो मुझे बहुत शौक था कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ जिसमें मेरा कोई ट्विन हो या फिर क्लोन हो, और आज मैंने सोचा कि आज ट्राई कर ही लेता हूँ, तो इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाया सिर्फ देखने के लिए कि अगर मैं वो रिक्रिएट कर सकता हूँ कि नहीं। क्या बोलता है सुल्तान? नहीं यार, टेक्निकली कॉन्सेप्ट तो बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इस वीडियो को हम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम I think so, it's quite good, यार। हाँ, लेकिन ये सही से एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं ये तो हमारे मो ब्रोज ही बता सकते। तो गाइज, ये कोई व्लॉग नहीं था, बट एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो था, और मुझे बहुत शौक था ये करने का, मैं बहुत एक्साइटेड था ये वीडियो शूट करने के लिए। आई डोंट नो इफ इट्स अप टू द मार्क, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा भी, तो प्लीज गिव इट अ लाइक, अच्छा कॉमेंट छोड़ना, और अगर ये आपका पहली बार है तो रिमेंबर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो मिलते हैं कुछ ही दिनों में, इसी के साथ खत्म करते इस व्लॉग को।